थैलेसीमिया, हाँ स्किन हाँ सेल्स, इस पर कैसे काम करता है, कैसे इम्पैक्टफुल डालेगा? देखिए, एक्चुअली जो हम लोग देखते हैं कि उनका क्या हो रहा है कि एक तो उनके शरीर में खून बनता है और उनका हीमोग्लोबिन काउंट कम होने लगता है, और साथ ही साथ उनके जो भी घाव है ना, वो भी उनको कभी कभी जल्दी नहीं भरते हैं, या उनको टीथ में वगैरह भी कुछ पेशेंट्स में खून आ सकता है। तो ऐसे बहुत सारे जो थैलेसीमिया के बढ़ने के बाद आने वाले कॉम्प्लिकेशन है, तो उस कॉम्प्लिकेशन में आपको उसमें आपकी इम्यूनिटी बढ़ने के साथ साथ आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ना, ये बहुत ही अच्छी मात्रा में आपको सपोर्ट करता है टू कंट्रोल द थैलेसीमिया। बेसिकली आपके जो भी मेडिसिन्स है वो बंद नहीं करने हैं, वो सारे मेडिसिन्स लेने के साथ साथ आपको इस स्लीपिंग सिस्टम का यूज करना है, क्योंकि ये स्लीपिंग सिस्टम ओवरऑल आपके बॉडी के फंक्शन को एक्सेलरेट करने के वजह से वंडरफुल रिजल्ट्स आपको देती है। ओके अभी हाँ अभी अभी ये सवाल आ रहे हैं मेरे पास, तो अभी ये जो एक मेरे पास सवाल आया है, तो उनका कहना है कि साइटिका का पेन जो है तो वो इसमें कैसे रिलीफ होगा। तो अभी देखिए, साइटिका का जो पेन है जिसमें अपने को साइटिक नर्व जो होती है, जैसे अपने बैक साइड में जो साइटिक नर्व होती है उसमें दबाव आ जाता है और उसके ऊपर प्रेशर आने के वजह से ये पेनिंग होता है, तो हम लोगों को उनके लिए जो है ना, ये मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम के ऊपर सोने के वजह से वहां पर जो भी टॉक्सिन एक्यूमुलेशन है या उसके वजह से प्रेशर आ रहा है वो तो रिलीफ होगा, लेकिन जो नर्व के ऊपर जो प्रेशर आ रहा है वो रिमूव करने के लिए कुछ स्पेशल एक्सरसाइजेस है, तो वो एक्सरसाइज उनको करना है जिसकी वजह से उनको बहुत सारा रिलीफ मिल जाता है। और छोटी छोटी चीजें हैं वो चीजें आपको इसमें काम में आती है, जैसे जेंट्स लोग जो है उनको यदि साइटिका का प्रॉब्लम होता है तो वो यदि अपने पिछले पॉकेट में यदि कोई अपना पर्स रखते हैं, कंघी रखते हैं, तो वो उनको वहां से निकाल देना है, वो रिमूव करना है, और वो आप पर्स जो है भले आगे रखो, बैग में रखो, लेकिन पीछे के पॉकेट में मत रखो। और सुबह उठते समय जो बेड के ऊपर ही हम लोग अपने पीठ के बल पर सोते हुए साइकिलिंग करते हैं तो उसके वजह से भी उसमें थोड़ा सा रोटेशन आने लगता है। और कुछ एक्सरसाइज इसी तरह के है जिसमें अपने पैरों का मूवमेंट जो है स्मूथ होने के वजह से धीरे धीरे वो प्रेशर वहां का निकल जा सकता है, लेकिन ये प्रोडक्ट की वजह से 100% साइटिका का ट्रीटमेंट हो जाएगा, आपको दूसरा कुछ भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। आपको वो ट्रीटमेंट करने के साथ साथ अपना मैग्नेटिक स्लीपिंग सिस्टम, मैग्नेटिक वाटर बेल्ट यूज करना है, लेकिन उसके रिमूवल के लिए एक्सरसाइज अपने को करना है। तो अभी नेक्स्ट अपना जो है